देखिए रात्रि के 2 बज रहे हैं और बागेश्वर धाम में अभी भी दिव्य दरबार लगा हुआ है। रात्रि 2 बजे भी लाखों भक्त यहाँ पर दिव्य दरबार में उपस्थित हैं। आप जहाँ तक नज़र फैलाओगे आपको हर जगह बागेश्वर धाम की पागल ही पागल नज़र आएंगी। यहाँ पर कहीं सोने की व्यवस्था है नहीं तो हम लोग यहाँ पर ये बिछा लिया है और यहीं पर हम लोग सोने जा रहे हैं। बिछा ली है और ऐसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पर देखिए सो रहे हैं चारों तरफ। ये देखिए दिव्य दरबार अभी रात्रि 2 बजे चल रहा और देखिए भक्त भी रात्रि में ही ये सामने ये के पंडाल पीछे ज्यादा पहुंच जा भी। जय श्री राम प्रभु। देख रहे चलो आज दिख रहा इधर पे जी दिख रहा है गुरु जी फिर यज्ञ पंडाल चल भी आजा आजा TLD के पास आ जा। देखिए भाई रात्रि 2 बजे दिव्य दरबार ला ला हम भाग उठा ली अपने रात्रि 2 बजे दिव्य दरबार लगा हुआ और भक्त भी देखिए यहाँ पर लाखों की संख्या में रात्रि में ही आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। आ जाओ ठीक है आपके पति को हुआ क्या अच्छा नाम है आइए भैया बताया तंत्र का प्रयोग घर की स्त्री द्वारा किया गया लेकिन यह बालक नाम रोशन करेगा आशीर्वाद है। लगने लगते बच्चे को पूरे शरीर में दिक्कत बनने लगती है उल्टियां भी बनती हैं। पूर्व में वर्तमान में आराम है। आप आगे कोई भी दुकान का कार्य काम आम गए हैं 30 साल आगे सही जमीन सुना होगा गलत फहमी है कार्य आगे चले सुना दोनों अलग अलग रहते हैं चार साल आलम अलग अलग था चले चले का आलम अलग अलग था रिश्तेदार आइए
रूप में हम तुम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाओ, आज से तुम्हारी जय जय हो जाए। जय श्री राम। जाओ, तुम्हारे घर पर कोई अनहोनी न हो गए। जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय भगवा दे। अभी बैठे रहेंगे, उठो मत। जाओ, तुम पर बालाजी की कृपा हो जावे। जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी से कौन कौन जुड़ना चाहता है, अगर हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो। कच्चा से पक्का? पक्का। एक दो दिन के लिए कि जीवन भर के लिए? जीवन भर के लिए। जोश में कि होश में? होश में। वचन दे रहे जी? जाओ, हम भी वचन दे रहे। हमने जो कृपा पाई है, चूड़न चटनी सिद्धि चमत्कार है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बागेश्वर बालाजी की है। मुस्कुराते हुए जाओ। अब जिनको ऊपरी बाधा प्रेत बाधा है, वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, बाकी जो खड़े हो गए वो बैठ जाए। भाई वीडियो न बनाते इसकी। जय श्री राम। देखिए, हम लोग यज्ञशाला में आ चुके हैं। यहाँ पर भारत के वो अमर शहीदों के चित्र लगाए गए हैं। ये है विशाल यज्ञशाला। हमारे पीछे आप देख पा रहे हो कि हम यज्ञशाला का भ्रमण आपको करा रहे हैं। ये वो विशाल यज्ञशाला है जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे भारत देश की वो अमर शहीदों के चित्र भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये पूरा बहुत ही विशाल प्रांगण, वहाँ पर भी आप दिव्य दरबार देख रहे थे। जय श्री राधे। देखिए, बहुत बढ़िया नीचे नेट भी बिछाया गया ताकि कोई भी कंकड़ वगैरह ना लगे। और यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे भारत देश के अमर सपूतों को समर्पित ये विशाल यज्ञ पंडाल। जय जय श्री सीताराम जी, सरकार की जय हो। अभी थोड़ी देर समय पहले यहाँ की लाइटिंग बंद कर देना, यहाँ का भव्यता और दिव्यता का नज़ारा आप और बढ़िया देख पाते। तो पूरा परिक्रमा हमने यहाँ से लगाया।
जय श्री राम भैया, जय श्री राम। चलो ठीक है, हम लोग साथ में ध्वज लेकर आए थे जो यहाँ पर यज्ञ पंडाल में लगा रहे हैं, इसके लिए हमने बांधने के लिए ये सॉकेट लिया है जो इसको लॉक कर कि हम इसको बांधने के, चलिए वहाँ पर बांध देंगे, यहाँ पर बांध ठीक रही थी, लॉक कर दिए इसे बीच में करो लगभग। ठीक है, ऊपर एक रस्सी में जहाँ रस्सी लिख ऊपर एक रस्सी बांध दी ऊपर। आप रुक खींचने विक्रम बत्रा जी, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जी, तुकाराम ओमले जी, ये सभी आप जो देख पा रहे होंगे ये कारगिल युद्ध में शहीद हमारे भारत के वो परमवीर हैं जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं और आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं। ऐसे हमारे सभी अमर सपूतों को बार बार उनके चरणों में प्रणाम। तो ये आपने यज्ञशाला के दर्शन किए, तो विशाल यज्ञ पंडाल को हम पुनः प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय। बाहर सामग्री बोलते हैं संत आत्मा देखिए हमारे बागेश्वर धाम के भक्त कहीं भी जाकर सो रहे हैं, क्योंकि इसको जो परमहंस होते हैं उनको मान मर्यादा गीला सो की कोई वो जगह नहीं होती। चलिए हम जगह यहाँ पर कहीं सोने की व्यवस्था है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर ये बिछा लिया है और यहीं पर हम लोग सोने जा रहे हैं। तो अभी रात्रि के लगभग 2 बजे हैं, तो अभी थोड़ा सा सोते हैं, इसके बाद उठते हैं फिर बताएंगे आगे कहाँ दर्शन करने चलते हैं। सारे लोग यहाँ पर ऐसे बिछा के सो रहे हैं, तो हम लोग भी इसी प्रकार से हमने यहाँ पर पन्नी ले ली है 20-20 रुपये की और इसको हमने यहाँ पर बिछा लिया है और कुर्सी भी हमने चारों तरफ से लगा लिया थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए, कोई यहाँ वहाँ से निकले ना। अब ये चादर लेके आए थे तो अब यहाँ पर हम लोग सोते हैं। तो ये आपको खड़े होकर थोड़ा बता दें, ये हमने पन्नी बिछा ली है और ऐसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पर देखिए सो रहे हैं चारों तरफ नीचे, तो हम लोग ने भी इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे बिछा लिया और अब यहाँ पर हम लोग सो रहे हैं।